हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड्स मीडिया। फ्रेंड्स, नवरात्रि के अवसर पर मैं आपके लिए मखाने की खीर की रेसिपी लाई हूँ। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कढ़ाई, उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो गया घी, मैंने इसमें इलायची के दाने डाल दिए, जो छोटी इलायची होती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मखाने, जिसको मैंने मिक्सर में थोड़ा सा क्रश कर लिया है। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। घी में भूनने से फ्रेंड्स मखाने का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 ग्लास भरकर दूध, या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है अपने उसी अकॉर्डिंग हम लोग दूध ऐड करेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मलाई। मलाई से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और चीनी, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 बोल चीनी का यूज़ किया है। अब हम दूध के गाढ़ा होने तक, या फिर मखाना दूध ऑब्जर्व कर ले तब तक हम इसको पकने देंगे। लगभग 10 से 15 मिनट में फ्रेंड्स हमारी खीर बनके रेडी हो जाती है। मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ, इसको और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मखाना खीर बनके रेडी है, जिसे मैंने अच्छे से सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टेंट सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, अगली बार फिर मिलूंगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।